दोस्तों, एटीएफ ट्रैक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब वीडियो में थंबनेल्स कैसे लगाएं, इसका बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आगे तक जितना वीडियो डालूँ आप लोग तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे जाइए दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल को लॉगिन कीजिए। यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कीजिए, उसका बाद दोस्तों वीडियोस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमने थंबनेल्स नहीं लगाया है, इस पर अभी मैं लगाऊंगा। सिंपल से प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे जो अपलोड थंबनेल है, अपलोड थंबनेल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने थंबनेल बनाया। उसका बाद यहाँ पे जो सेव का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो मैं आपका जो थंबनेल है वो अपलोड हो जाएगा और आपका वीडियो का ऊपर दिखाई देगा। दोस्तों, इसमें और एक बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपका चैनल अगर वेरीफाइड नहीं है तो आपका जो थंबनेल है वो नहीं लगेगा। इसके लिए वेरीफाई थंबनेल लगाने के लिए आपको इसको वेरीफाई कहाँ से करना है वो भी मैं दिखा दूँगा। आप लोग सिंपल से प्रोसेस है, वो भी अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए। मैं दूसरे ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मेरा और एक चैनल में यहाँ पे लॉगिन करूँगा। यहाँ पे देखिए, ये एक करता हूँ और एक करता हूँ, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब स्टूडियो है तो मेरा चैनल है। दोस्तों, इसमें नहीं लगता है, ये हमने ज़्यादातर समय नहीं हुआ इसका वेरीफाइड किया है। स्टेटस एंड फ्यूचर जो यूट्यूब का है उसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, वो भी हम दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखी है फ्यूचर यूट्यूब, फ्यूचर यूट्यूब, फ्यूचर यूट्यूब लिख के यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो दोस्तों पहला ऑप्शन है, इसमें जो पहला ऑप्शन है आप इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो आप यूट्यूब लॉगिन करके रखा है वही लॉगिन होगा। यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको अगर आपका चैनल वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, वेरीफाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए और 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल दीजिए, डाल के सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो वेरीफिकेशन का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरा इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।